कन्हैया कुमार को नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और एनपीआर का विरोध महंगा पड़ रहा है। कन्हैया बिहार में जहां भी जा रहे हैं लोग उन्हें मारने दौड़ रहे हैं, कहीं पर उन पर जूते पड़ते हैं तो कहीं अंडे। ताजा मामला बिहार के जमुई का है जहां पर उनकी गाड़ियों पर अंडे फेंके गए। ये पांचवी बार है कन्हैया कुमार के काफिले पर हमला हुआ है। देखते हैं रिपोर्ट। बिहार के जमुई में कन्हैया कुमार के काफिले पर हमला हुआ है। अब की बार कन्हैया के काफिले में गाड़ियों पर अंडे फेंके गए। लोगों ने कन्हैया की गाड़ी पर मोबाइल भी फेंका। पिछले कुछ दिनों में ये पांचवी बार है जब कन्हैया कुमार के काफिले पर हमला हुआ है। हालांकि बिहार में उनकी रैलियों में लोग भी जुट रहे हैं क्योंकि वामपंथी दलों को वहां एक चेहरा मिल गया है। सीपीआई कन्हैया कुमार की जन गण मन यात्रा के जरिए अपने पुराने कैडर को एक्टिवेट करने में जुटी है। कन्हैया कुमार पर हो रहे हमले में सिर्फ लोगों का दोष नहीं है, उनके बाउंसर्स भी मीडिया कर्मी और लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं और मारपीट करते हैं। कन्हैया का काफिला जहां से गुजरता है वहां नारेबाजी की जाती है। इसी तरह की नारेबाजी के दौरान एक दूसरा गुट आ गया और वो भी विरोध में नारेबाजी करने लगा। इस भिड़ंत में कन्हैया कुमार पर हमला कर दिया। ये मामला बिहार के जमुई का है। कन्हैया कुमार के समर्थकों का आरोप है कि पुलिस व प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरत रहा है। विरोधी गुट का कहना है कि कन्हैया देशद्रोही है। लगभग 15 मिनट तक चली झड़प के कारण वहां जाम लगा रहा। इससे पहले मोतिहारी, सुपौल, कटिहार और सिवान में कन्हैया कुमार पर हमला हो चुका है। उनके नवादा आगमन के विरोध में उन्हें कौवा कुमार बताते हुए पर्चे लगाए गए। कटिहार में कन्हैया कुमार पर जूते चप्पल भी फेंके जा चुके हैं। कटिहार में शहीद चौक के पास हुई इस घटना में कन्हैया बाल बाल बचे। बिहार के ही मधेपुर व सोपुल में कन्हैया कुमार के काफिले पर पथराव हुआ था। सोपुल में हुए पथराव के दौरान कन्हैया के काफिले के कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। नोट करने वाली बात ये है कि ये वो इलाके हैं जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है और ये सारे इलाके लालू यादव की पार्टी आरजेडी का गढ़ रहा है। बेगूसराय में चुनाव हारने के बाद कन्हैया के रिश्ते तेजस्वी यादव से भी खराब हो चुके हैं, क्योंकि कन्हैया को लगता है कि आरजेडी ने एक मजबूत नेता देखकर तेजस्वी यादव ने उन्हें जानबूझकर हराया। कन्हैया कुमार इस यात्रा के दौरान कुल 50 सभाएं करने वाले हैं। 29 फरवरी तक चलने वाली इस रैली के जरिए वो सक्रिय राजनीति में पांव जमाने निकले हैं। 30 जनवरी को बेतिया से उनकी ये यात्रा शुरू हुई थी। वो सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। कन्हैया की दिक्कत यह है कि लोगों में उनकी छवि एक देशद्रोही की है। लोग समझते हैं कि कन्हैया उन लोगों के साथ है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग कन्हैया का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि कन्हैया एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिसका कोई जनाधार नहीं है। वो सीए और एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को बांटने में जुटे हैं, जिससे लालू यादव की पार्टी को नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि बिहार में वो जहां भी जा रहे हैं उन पर हमला हो रहा है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।